हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 10 लीटर फुल क्रीम दूध की मलाई ली है। इस मलाई को हमने स्टोर करने के लिए डीप फ्रीज में रखा था और डीप फ्रीज में से 3 घंटे पहले निकालने के बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड कर दी थी। 1 टेबल स्पून दही ऐड करके हमने इसे ओवरनाइट जमने के लिए रख दिया था। इसे जमाए हुए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक को इसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चम्मच की मदद से हम इसे लगातार 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। डीप फ्रीज में रखी हुई मलाई से आप घर पर बहुत ही आसानी से अच्छी क्वालिटी का बटर सस्ते में बना सकते हैं। इस बटर में बिल्कुल भी स्मेल वगैरह कुछ नहीं होगी क्योंकि हमने इसे डीप फ्रीज में स्टोर करके रखा हुआ था। बस एक बात का ध्यान रहे कि हमें इसे फ्रीज़र में से 3 घंटे पहले निकाल कर फिर इसमें हम 1 चम्मच दही डाल के इसे 10 से 12 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट जमने के लिए रख देंगे। हमने इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें 1 कप ठंडा पानी ऐड कर देंगे। और इसे कुछ देर तक और फेंटते रहेंगे। कुछ देर तक फेंटने के बाद हम इसमें 1 कप ठंडा पानी और ऐड करेंगे। क्योंकि हम इसका बटर बना रहे हैं तो ये जो मक्खन है इसकी खटास निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरी तरह से इसकी खटास निकालने के लिए हम इसमें 2 से 3 बार पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी ऐड करके कुछ सेकंड तक फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मक्खन है वो छाँस से अलग हो चुका है। अब ये जो छाँस है इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी छाँस को अच्छी तरह अलग कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें 1 कप और ठंडा पानी ऐड करेंगे। और इसे कुछ देर तक फेंटेंगे। इसकी जो छाँस है इसको हम फिर से इसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मक्खन में से हमने जो छाँस अलग की है ये बहुत हेल्दी होती है। इसका इस्तेमाल करके हम कढ़ी वगैरह बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। अभी भी हमने इसमें से खटास वाला पानी और निकालना है। वो जो पानी निकलेगा उसे भी हम इस छाँस में ही ऐड कर देंगे, इसलिए इस स्टेज पर हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 10 से 12 जितने आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड करेंगे। इसे एक बार चला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। हमने इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी छाछ नहीं है, सिर्फ पानी है। ये जो पानी है ये खटास वाला पानी है। तो हम अच्छी तरह से इस पानी से मक्खन को अलग कर लेंगे और इसका पूरा पानी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बटर बनाते वक्त एक बात का ध्यान रहे कि हमें इसकी खटास को अच्छी तरह निकालना है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी बाकी ना रहे, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। इसलिए इसका सारा पानी अलग से निकाल लेंगे। तो हमने इसका सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है।
अगर ज़रूरत पड़े तो आप हाथ की मदद से निचोड़ कर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। अब बटर को सेट करने के लिए हम इस तरह का एक कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर पर हम फॉइल पेपर को इस तरह से लगाएंगे। हमने इसे फॉइल पेपर से अच्छी तरह कवर कर लिया है। आप यहाँ पर फॉइल पेपर की जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे बनाए हुए बटर को हम इस तरह चम्मच की मदद से इसमें ऐड करेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे अच्छी तरह सेट कर देंगे। चम्मच की मदद से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमने इसे पूरे कंटेनर में अच्छी तरह सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारा कंटेनर ही छोटा पड़ गया, इसलिए हमें इसके लिए दूसरा कंटेनर तैयार करना पड़ा। अब बाकी के बचे हुए बटर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बटर को दोनों कंटेनर में अच्छी तरह ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको डीप फ्रीज में 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसे फ्रीज में रख रहे हैं तो 5 घंटे के लिए रख सकते हैं। हम डीप फ्रीज में 3 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसे स्टोर करते वक्त हमने ऊपर की तरफ से भी इसे फॉइल पेपर से कवर कर लिया था। अब हम इसे खोल लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा बटर सेट हुआ है। अब हम इसको निकाल कर दिखाएंगे। फॉइल पेपर को इस तरह से हम खोल लेंगे और इसका जो कंटेनर है उसे हम अलग कर लेंगे। इसके ऊपर की साइड पर फॉइल पेपर रखकर केयरफुली इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बटर सेट हो चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। देखा आपने कितनी आसानी से हमने घर पर शुद्ध बटर बनाया, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में और कम समय में। बना है ना बिल्कुल अमूल जैसा बटर। अब इस बटर को हम एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और डीप फ्रीज में इसे स्टोर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि अमूल जैसा घर पर बना हुआ ये बटर आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।